आप फोन पे ऐप को यूज करते हैं तो यहाँ पे आपने पेमेंट हिस्ट्री के अंदर देखा होगा कि जब भी आप किसी से लेन देन करते हैं तो यहाँ पे कुछ हिस्ट्री ऐसी होती है, जब आप उस पर क्लिक करते तो उनके जो नंबर है वो यहाँ पे आपको पूरे नहीं दिखाई देते हैं। परंतु कुछ लेन देन ऐसा भी होता है जब आप उन पर क्लिक करते हैं तो उनके जो नंबर है वो इस प्रकार से आपको पूरे दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल होगा कि काश कोई ऐसा रास्ता हो जिससे कि हमने जो भी किसी से लेन देन किया है उनके नंबर हम पूरे देख सके। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें अधूरा नंबर दिखाई दे रहा है, हम चाहते कि इनका जो नंबर है वो पूरा दिखाई दे। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ कि इसका आप सॉल्व आउट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि ये जो पेमेंट हिस्ट्री है यहाँ पे कई सारी आप हिस्ट्री देख सकते हैं। तो सबसे पहले एक एक यहाँ पे मैं आपको बता लूँ, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है और ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि ये जो हिस्ट्री है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इनका जो नंबर है वो मुझे यहाँ पे पूरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके पीछे ये कारण है कि जब भी मैं इनसे पेमेंट लेना चाहता था तो मेरा जो नंबर है, मेरा जो मोबाइल नंबर है वो उनको दिया था तो उन्होंने मुझे पेमेंट सेंड किया, तो मेरा जो मोबाइल नंबर है वो उनको पूरा दिखाई देगा, परंतु उनका जो नंबर है वो मुझे यहाँ पे पूरा दिखाई देने वाला नहीं है। अब यदि आप पूरा नंबर देखना चाहते तो क्या करना होता है कि आपको उनका नंबर लेके फिर आपको उनको पेमेंट सेंड करना होता है, तब जाके आप उनका पूरा नंबर देख सकते हैं। मतलब जो आपके नंबर लेकर पेमेंट भेजता है उनको आपको पूरा नंबर दिखाई देता है। अब यहाँ पे कुछ हिस्ट्री ऐसी भी है जहाँ पे मुझे उनके पूरे नंबर दिखाई देते हैं। तो ये क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि इनका जो मोबाइल नंबर है वो मेरे फ़ोन के अंदर सेव है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने यदि मुझे पेमेंट भेजा है तब भी इनके नंबर मुझे दिखाई देंगे, और यदि अब मैं उनको पेमेंट सेंड करता हूँ फिर भी मुझे इनके नंबर दिखाई देंगे। मतलब मैं भेजता हूँ या फिर लेता हूँ फिर भी उनके नंबर मुझे दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी नंबर हैं जिनके नंबर मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया है, फिर भी उनके जो नंबर हैं वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है ये मुझे पूरे दिखाई दे रहे हैं, जबकि मैंने इनको पेमेंट केवल एक बार सेंड किया था और इनके जो नंबर हैं वो मुझे मेरे मोबाइल के अंदर सेव भी नहीं है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इनके जो नंबर हैं वो मैंने लिए थे और उसके बाद मैंने इनको पेमेंट भेजा था, इसलिए यहाँ पे पूरे नंबर दिखाई दे रहे हैं। अब बस इतना कहना चाहूँगा, यदि आप किसी के भी यहाँ पे पूरे नंबर देखना चाहते तो बस आपके पास एक ही रास्ता है कि जब भी आप किसी का पूरा नंबर यहाँ पे देखना चाहते हैं पेमेंट हिस्ट्री के अंदर, तो सबसे पहले आपको उनका नंबर लेकर एक बार पेमेंट आपको उनको भेजना होता है, तब जाके आप हिस्ट्री के अंदर उनका पूरा नंबर देख सकते हैं। तो यदि आपको इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो, आपको सही प्रकार से समझ में आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।